और सबसे पहले बात करेंगे सूरत की, जहां एक ऐसी लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जो सूरत से तो मॉडल से कम नहीं लगती, लेकिन पुलिस उसे तलाश कर रही है और वो भी सरेआम दबंगई के मामले में। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। बला की खूबसूरती, उसकी अदा पर कोई भी फिदा हो जाए, ऐसा लगता है मानो ये कोई अपकमिंग मॉडल हो। इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि इस लड़की ने जरूर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर नाम कमाया है, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे का सच अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ये लड़की कोई मॉडल नहीं बल्कि सूरत की एक लेडी डॉन है जिसे पुलिस तलाश कर रही है। सूरत के लोग आजकल इस खूबसूरत बला से खौफजदा हैं, क्योंकि यह सरेआम हथियार लेकर लोगों को डराती है, धमकाती है। इसका खौफ देखना है तो जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। होली के दिन 2 मार्च का एक वीडियो सूरत में इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये लेडी डॉन सरेआम धारदार हथियार से लोगों को डरा रही है। इस लड़की के साथ उसके गैंग के बाकी साथी भी हैं, जिनके हाथों में भी चाकू है। काफी देर तक ये लड़की और इसका गैंग सड़क पर लोगों को यूं ही धमकाता रहा, लेकिन किसी ने बीच बचाव की हिम्मत नहीं जुटाई और तो और किसी ने पुलिस में जाकर इसकी शिकायत तक दर्ज नहीं कराई। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस खुद ब खुद एक्शन में आ गई है और आरोपी लेडी डॉन की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अभी जब हमको वीडियो क्लिप मिली है तो उसके बाद हमको पता लगा कि ये लोग कौन है, उनके नाम मिल गए हैं और रात को पुलिस ने उनके घर पर छापा भी मारा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है, पुलिस उनको ढूंढ रही है। हमने क्राइम ब्रांच को भी इस काम में लगाया है कि जल्दी से जल्दी इनको ढूंढ के इनके खिलाफ कायदे से कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं तस्वीरों के कई रुख होते हैं, 19 साल की अश्मिता बाग गोहिल की भी यही कहानी है। तस्वीरों में कुछ और हकीकत में कुछ और। 19 साल की लेडी डॉन सूरत में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस मासूम चेहरे के पीछे अब सूरत की क्राइम ब्रांच है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश चल रही है, लेकिन अब तक ना तो लेडी डॉन का कोई सुराग मिला है और ना ही उसके साथी पकड़े गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।